वहाँ पर एक स्टैंड लेना उनका भी वहाँ बनता था। दो लड़कियाँ लड़ रहे हैं तो उसमें नहीं चिकते हैं। तो दैट इज नो वन। ये जो करता है वो बदतमीजी हो ही नहीं सकती। सेकंड अभी मेरी बात हो रही है, मेरी बात करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू चेकअप डेटाज। मेरे पास बहुत सारे न्यूज़ है, सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बात करने वाली हूँ बिग बॉस OTT 2 वीकेंड के बाहर के बारे में। इस वीकेंड के बारे में सलमान खान नहीं बल्कि कृष्णा अभिषेक होस्ट करने वाले हैं। इस वीकेंड के बारे में कृष्णा क्लास लिए फलक, अविनाश, मनीषा और जिया का। एक्चुअली अविनाश के स्टार्टिंग वीडियो में बताए थे कि कैप्टन ओवरशिप उन्हें पसंद है और वो जहाँ भी जाते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। वो ये भी बताए थे कि उन्हें कोई भी कितना परेशान क्यों ना करे, वो कुछ भी नहीं बोलते, उनके ऊपर वो रिएक्ट नहीं करते। और इसी मैटर पर कृष्णा भड़क गए। कृष्णा अभिषेक से पूछे, आप तो बताए थे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, फिर ऐसा तो नहीं है? आप जो भी कुछ स्टार्टिंग के वीडियो में बताए थे आप पूरा ही ऑपोजिट है। और इसी मैटर पर कृष्णा फुकरा इंसान से पूछे, क्या अविनाश सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है? तभी फुकरा इंसान जवाब दिए, जब मैं स्टार्टिंग में आया था मुझे लगा था वो मेरे टक्कर का है, मेरी शायद कंपटीशन होगी उनके साथ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी मन की बातें मन में ही रखते हैं, वो कुछ भी किसी को नहीं कहते हैं। और साथ ही साथ फुकरा इंसान ये भी कहें कि अविनाश अपनी ओपिनियन भी नहीं रखते हैं। और इतना सब कुछ फुकरा इंसान के कहने के बाद कृष्णा अविनाश के बारे में बताएं, आप जो छवि बनाकर इस घर में आए थे वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप क्या अभी तक हीरो नंबर वन है? और इसी मैटर पर कृष्णा एल्विस यादव से पूछे, क्या अविनाश हीरो नंबर वन है? एल्विस यादव अविनाश को रोस्ट करते हुए कहें, वो हवा है जो दिखाई नहीं देता है। Are you sure? You are a hashtag hero number one? नहीं, मुझे लगता है कि ये हवा है, जैसे वो खुद ले रही है। हीरो नंबर वन नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है, हीरो का एच भी नहीं है। जहाँ पे बोले वहाँ नहीं बोलते, और जब भी बोलते तो गलत चीजों के लिए बोलते हैं। मनीषा जेल गई थी, मैं बोल रहा था कि मनीषा को जेल नहीं जाना चाहिए था, मैं गलत, जाना ही चाहिए था साली को जेल। तो साली को जेल क्या होता है? क्या साली बोला वो? और आगे जब कृष्णा पूछे क्या ये कैप्टन बन सकता है, तभी फलक जवाब दी, वो कैप्टन तो बन सकता है पर वो ट्राई नहीं कर रहा है। आगे कृष्णा क्लास लिए मनीषा रानी का। वो मनीषा रानी से पूछे कि आप तो एंटरटेनमेंट के लिए जानी जाती है पर आप क्या ऐसा कुछ कर रही हैं? हमें तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। इसी पर फलक जवाब दी, मनीषा रानी आजकल कंबल ओढ़कर सो रही है। इधर बेबिका भी फलक को सपोर्ट करते हुए कही, दो वीक से मनीषा रानी अब वैसी नहीं रही। और इतना सब सुनने के बाद कहां मनीषा रानी चुप रहने वाली, वो बताई, जो मेरे साथ रहते हैं उन्हीं को पता है मैं कैसी हूँ। इस बात को सुनकर कृष्णा पूजा भट्ट से पूछे, क्या आपको लगता है मनीषा रानी जो भी कुछ कही वो सही कही? और इसी का पूजा भट्ट जवाब दी, जब मनीषा रानी लड़ाई करती है तब मुझे सब कुछ फेक लगता है। और साथ ही साथ पूजा भट्ट ये भी कही कि वो एंटरटेनमेंट कभी कभी करती है पर कुछ टाइम वो चेंज हो जाती है। आगे कृष्णा क्लास लिए जिया का। जिया से जब पूछा गया कि आपने वीडियो में बताया था आपको कोई पसंद करे या ना करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी रिलेशनशिप मुझे समझ में नहीं आ रही है, आपकी रिलेशनशिप ब्लैक एंड व्हाइट है, कभी आप अपनी दोस्ती करती है कभी उससे करती है। और इसी मैटर पर कृष्णा एल्विस यादव से पूछे जिया के बारे में। एल्विस यादव जिया के बारे में रिप्लाई किए, ये सब कुछ गलत है, वो पूरे ही फेक है। और साथ ही साथ एल्विस यादव ये भी कहें, जब जिया पूजा जी के साथ फाइट कर रही थी ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिया मुझे फेक लगती है। इधर मनीषा रानी भी जिया के बारे में बताई कि वो काफी कंफ्यूज रहती है और जिया को जो भी सपोर्ट करते हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करके किसी और को सपोर्ट करती है, जैसे कि जैद हमेशा जिया का साथ देता है पर जिया हमेशा अविनाश का साथ देती है। और इसी तरह बहुत सारे बात हुए, आपस में काफी बकझक हुए और कृष्णा बड़े अच्छे तरीके से सभी का क्लास लिए। फलक ने दावे पे खरी उतरी है कि नहीं? मेरे लिए नहीं, खुलकर इतना नहीं बोल जाती। जब उनको प्राउडली बोलना था उस टाइम पे नहीं कहा। वहाँ पर एक स्टैंड लेना उनका भी वहाँ बनता था। दो लड़कियाँ तो उसमें नहीं चिकते हैं। तो दैट इज नो। तूने झूठ बोला। ये जो करता है वो बदतमीजी हो ही नहीं सकती। मेरी बात हो रही है, मेरी बात करो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।